गाइज़ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सैमसंग M11 का फ़ोन है और दोस्तों आप सभी लोग उसमें अपने फ़ोन के कीबोर्ड में अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो गाइज़ वो कैसे आप जो है लगा पाएंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड में अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको कीबोर्ड वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थीम करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे थीम्स दिखेंगे जिसको आप जो अपने फ़ोन के कीबोर्ड में लगा सकते हैं तो आपको अपना फ़ोटो लगाना है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो दिखेगा, जो भी फ़ोटो आपकी गैलरी में होगा वो दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना है और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर यहाँ पे राइट का आइकॉन देखने को मिलेगा तो आप जो है वहाँ पर क्लिक कीजिए। और राइट वाले आइकॉन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का जो कीबोर्ड में फ़ोटो है वो चेंज हो जाएगा। आपने जो भी फ़ोटो यहाँ पे सेटिंग किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सभी लोग कीबोर्ड में अपना फ़ोटो को लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोन में अप्लाई कीजिए, फिर आपको आप जो है कीबोर्ड में अपना फ़ोटो लगा पाएंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।